नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने वैन हेंसन, मतलब बात की जाए हुड के बारे में, जो कि गाइस स्पेशली बात की जाए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मिलता है आपको। शोरूम में जाएंगे तो गाइस इसका ओरिजिनल प्राइस से आप कभी कंपेयर नहीं कर पाएंगे जो कि मैंने इसे एक्चुअल प्राइस में खरीदा है। तो गाइस इसकी पहले मतलब खासियत बताता हूँ, पहले प्राइस डिस्कस कर लेता हूँ। जो गाइस इसका ओरिजिनल प्राइस है, मतलब जो टैग लग के आता है, वो 1699 रुपये आता है। तो गाइस आप किसी भी कंडीशन में इसे 1699 से मतलब आप 98 रुपये में नहीं खरीद सकते शोरूम पे। लेकिन गाइस इसका जो एक्चुअली प्राइस है, जो मैंने इसे मतलब फ्लिपकार्ट से खरीदा, वो रियली दोस्तों बहुत ज्यादा चीपेस्ट पड़ा। इसलिए मैंने एक वीडियो बना दी इस पे, जो कि जो दोस्त खरीदना चाहते हैं और जो लेना चाहते हैं, मतलब अपने अपने लिए, खुद के लिए, या अपने फ्रेंड के लिए, अपने भाई के लिए, अपने पापा के लिए, मतलब किसी के लिए भी, और कुछ गर्ल्स जो अपने बॉयफ्रेंड के लिए लेना चाहती है, पति के लिए, एंड अच्छे दोस्त के लिए, तो गाइस उनके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट वो चीज होती है जो कि बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो। तो वैन हेंसन के कपड़े गाइस वैसे ही ज्यादा अच्छे मिलते हैं आपको देखने के लिए। लेकिन गाइस रियली जिस प्राइस सेगमेंट में आता है उसमें हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो गाइस जो मैंने खरीदी है इसे 585, मतलब आप नियर है 600 रुपये, क्योंकि गाइस मुझे जो पड़ती थी शायद 611 रुपये की पड़ती थी। मेरे पास फ्लिपकार्ट के सुपर क्वाइन थे, तो उसमें डिटेक्शन मिल जाता है, कुछ भी खरीदता हूँ तो 30-35 रुपए का, मतलब सुपर क्वाइन का डिटेक्शन मिल ही जाता है मुझे। तो ये 585-80 रुपए की मुझे पड़ी। तो गाइस इसकी क्या खासियत है पहले वो जानते हैं, फिर और डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप ये शर्ट देखेंगे, वैसे तो आप फ्रेंड में वीडियो में देखी थी, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि आप कपड़े की क्वालिटी, क्योंकि पास में कैमरा होता है तो बिल्कुल समझ पाते हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरीके की मिलती है, कॉटन नहीं रहेगा, लाइलॉन रहेगा, लेकिन गाइज यहाँ पे आप ये देखेंगे अंदर जो है रुआ रुआ है, मतलब यहाँ पे आपको गर्मी महसूस होती है कि एटलीस्ट आप ठंड में, या मतलब बराबर ठंड में तो नहीं कहूँगा, लेकिन नॉर्मली टेम्परेचर 20 या 21 के 20-22 के करीब रहता है, तो आपके लिए ये बेस्ट है और गर्म रहती है। गाइज इसकी ओरिजिनल कुछ चीज़ें जो कि नॉर्मली हर आपको शर्ट में, यहाँ पे वैनस का टैग मिल जाता है और वैन हेंसन का, एंड यहाँ पे गाइस ये टैगिंग देखेंगे तो ये टैगिंग मिल जाती है। तो यहाँ पे एक ब्रांड लोगो दिया गया है और मैन्युफैक्चरिंग अंडर ये यहाँ पे लिख रखा है, और कौन कौन से वॉशिंग टियर सीन, तो और क्या क्या खास मिल जाता है इसमें। तो यहाँ पे 80% दोस्तों कॉटन है, 20% पॉलिस्टर है, तो मतलब यहाँ पे आपको कॉटन जैसा महसूस मिल सकता है, और मेड इन बांग्लादेश है, तो यहाँ पे इंडिया में नहीं मैन्युफैक्चरिंग हुई है। इसका जो भी सीरियल नंबर है वो है, दुकानी की हमें इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी पेड खरीदी है। तो यहाँ पे आप चेक क्वालिटी मतलब पास कर चुकी है ये, तो मतलब यहाँ पे गाइस और दो तीन चीज़ें मैं आपको स्पेशली छोटे छोटे वीडियो में इसलिए दिखा रहा हूँ। तो ये मतलब जो रिबन है आपने देख रहे होंगे लटके हुए, वो अलग अलग दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ये देखेंगे दोस्तों ये वैन हेंसन का दिया है, लेकिन गाइस स्पोर्ट मोड दिया है, देखिए यहाँ पे स्पोर्ट लिखा हुआ दिखेगा आपको, ये वैन हेंसन स्पोर्ट्स, और यहाँ पे गाइस ये पूरा मतलब लोहे का नहीं कहूँगा, रंगा टाइप का है ये, तो और इन दोनों में ही ये खासियत आपको देखने के लिए मिल जाती है। ये मतलब थोड़ा सा दूर करते हैं कैमरे को, ये तो यहाँ पे आपको दोनों इस तरीके के मिलते हैं। और दोस्तों बिल्ड क्वालिटी, जैसे कि नॉर्मली आपको ये जो रिबन मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा पतले मिलते हैं, लेकिन गाइस ये पूरी तरीके से भरा हुआ है और ये गोल नहीं है एक तरीके से। आप यहाँ पे देखेंगे, मतलब मैं दिखाऊँ तो ये आपको हल्की सी कम दिखाई देगी, और ये यहाँ पे लंबा और यहाँ पे पतला, मतलब बीच में चौड़ा है, साइड में आपको अलग देखने के लिए मिलता है। और एक चीज़ और दिखानी थी, तो यहाँ पे गाइस मतलब थोड़ा सा इस साइड आएंगे आपको तो यहाँ पे शायद आपको दिखेगा, हाँ तो बीच में ना, मतलब यहाँ पे बीच में ये तो जो है बीच में सिलाई कर रखी है कि रिबिन जो है मतलब ये आप खींच के निकाल नहीं सकते, तो जो कि अच्छा लगता है, जैसे कि मैं टोपा पहनूँ ये और आप ये देख ही रहे होंगे, तो एकदम ना बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, हल्का सा मतलब खींचें और फिर हल्का सा, मतलब ये ना थोड़े थोड़े जो वो मतलब बात की जाए कपड़ा सुखड़ा हुआ होता है वो थोड़ा और अच्छा रहता है, एक मतलब बेटर लुक बना के आपको प्रेजेंट करता है जो कि अच्छा लगता है दोस्तों। और यही सबसे चीज़, दो चार चीज़ जो लगी मुझे अच्छी लगी, और दोबारा जेब के साइड आए तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि बीच में मतलब दोनों साइड पॉकेट दे रखी हैं, तो ये और पॉकेट मतलब उधड़ने की कंडीशन तो मुझे लगता ही नहीं है दोस्तों होगी, क्योंकि यहाँ पे जो सिलाई है बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से की गई है, और ये वाली सिलाई मतलब नीचे से भी उखड़ने का कुछ नहीं है। ग्रीन कलर दोस्तों इसलिए थोड़ा लाइट में, ये प्योर ग्रीन नहीं है, गंदा जरूर दिख सकता है लेकिन आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, और बीच में चैन वैन कुछ नहीं है, और यहाँ पे एक लास्ट में वी का लोगो मिल जाता है वैन हेंसन का। तो यहाँ पे गाइस ये आपको कुछ बिल्ड क्वालिटी मिलती है, बाकी बात आगे वीडियो में लगातार करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा, अब मैं थोड़ा सा हुड में आपको लुक दिखाना चाह रहा हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पे ये
ये ठंड में थोड़ा सा, अब इतनी ठंड नहीं है, मतलब मेरे रूम का जो टेम्परेचर है वो अभी 22-23 हो गया है, तो मुझे थोड़ा सा ठंडा महसूस होता है कि हाँ यार थोड़ा सा ज्यादा ठंडा हो रहा है, इसलिए हुड का यूज कर रहा हूँ आजकल। और मैंने जो मतलब बुक किया था ये 580 या 85 रुपए का किया था, लेकिन गाइस प्रॉब्लम ये हुई जैसे ही मैंने बुक किया इसका प्राइस जो था वो 650 रुपए हो गया था। फिर मैंने सोचा हाँ यार सही है, अब गाइस इसके प्राइस कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, अब ये 1100 1150 रुपए का आपको फ्लिपकार्ट पे देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए मैंने आपको बिल भी शो किया बीच में कि एक्चुअली मुझे फ्लिपकार्ट पे कितने का पड़ा। तो गाइस फ्लिपकार्ट मैं इसका डायरेक्टली प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई पैसा नहीं मिलता फ्लिपकार्ट से, लेकिन गाइस रियली बहुत ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, लुक मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो गाइस बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं इसे पूरा खोलेंगे और यूं चलते हैं, तो गाइस वो ना मजा नहीं आता, हल्का सा पहले इसे खींच लीजिए थोड़ा पूरा जब लगा होगा, एंड ये मतलब यहाँ पे ना कपड़ा सुखड़ा सुखड़ा होता है, एक अलग आता है, और थोड़ा सा टाइट भी कर लें तब भी मतलब बीच में से ना खुला रहता है, तो एक अच्छा लुक बन के आता है यहाँ। और इसकी डोरी खींचने का मैंने बता ही दिया था वैसे तो वीडियो में, यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि बीच में सिलाई लगी हुई एक अच्छी चीज है, बीच में पॉकेट, ये मैं दिखा नहीं पा रहा था एक्चुअली कैमरे में, तो ये सबसे अच्छी चीज होती है आराम से ठंडे, क्योंकि जो इसके कफ है वो इजिली फिट हो जाते हैं क्योंकि ज्यादा ढीले नहीं है, तो आराम से अंदर चले जाते हैं। मेरे पास एक और हुड है जो मैं कश्मीर से लेकर आया था 2400 रुपए का, रियली दोस्तों उसमें क्योंकि उसके कफ थोड़े से बड़े हैं तो करता हूँ तो कफ पीछे चले जाते हैं, फिर मुझे अंदर दोबारा घुसेड़ने पड़ते हैं अपने हाथ से। इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कपड़े की बात करूँ थोड़ा सा गर्म जरूर है, लेकिन मैं बात करूँ इसे मैं नॉर्मली 17-18 सेंटीग्रेड पे भी इजली पहन सकता हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे इनर का यूज करना पड़ेगा क्योंकि इतना मोटा नहीं है कि मुझे गर्मी लगे, क्योंकि मैं धूप में भी इसे पहन के इजली निकल जाता हूँ, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि थोड़ा वेंटिलेशन अच्छा है कि धूप में निकल रहे हैं तो पीछे इसे इस तरीके से यूँ यहाँ 2-3 बार पहना इसलिए बाल खराब हो गए, तो यहाँ पे मतलब मैं पीछे लटका नहीं रहने देता, इसे मैं लेता हूँ हल्का सा फोल्ड करके नहीं, मतलब एक कॉलर टाइप का बन जाता है, और इजली मतलब आप मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं, मैं इस तरीके से यूज करता हूँ, आप थोड़ा सा अंदर करके मतलब अलग अलग फ्लेवर पीछे से डिजाइन कर सकते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ कपड़ा लपेट होता है, तो बहुत चीजें आपको अलग देखने के लिए मिलती हैं। मैं नॉर्मली एक छोटी सी गार्ड यहाँ पे ऐसे ना मतलब यूं लटके पे ज्यादा अच्छा लगता नहीं है एक्चुअली, गार्ड मतलब गार्ड नहीं मानता हूँ, ये वाला नीचे लेके जाता हूँ, इसे हल्का सा यूं करके गिरा लेता हूँ, मतलब आगे के साइड नहीं पीछे के साइड, तो इस तरीके से एक अच्छा लुक बन के आता है। तो गाइस वो चार चीजें मैंने आपको बता दी, जैसे जैसे और कुछ मिलता है तो आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम बता देंगे, तब तक गाइस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, धन्यवाद दोस्तों।